नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द कपैसिटी इज चार्ज विद अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू आफ्टर डिसकनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर सवाल ये एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर विल बी हमें बताना है दोनों पे एनर्जी क्या होगी अगेन सिंपल सवाल है सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि यह आपका पहले हमने क्या किया एक बैटरी से कैपेसिटर को लगाया और इसको फुल चार्ज किया सी कैपेसिटर वी वोल्ट इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट विल be इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू सी वी अब हमने इस बैटरी को डिसकनेक्ट करके इस कपैसिटर uh, को एक और कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जिसकी कैपेसिटी अगेन सेम सी है तो ये भी सी ये भी सी हमें बताना है कि और पिछली बार जो एनर्जी है उसको आप लिखोगे हाफ़ क्यू स्क्वायर बाय सी या फिर हाफ़ सी वी स्क्वायर और इस बार बताना है कि आपकी इसको एनर्जी को ऐसे लिख लेते हैं सो तो आपकी एनर्जी यू जो हो वो होगी वन बाय टू सी वी स्क्वायर इस बार बताना है क्या आपकी आ, एनर्जी क्या होगी सो तो हमें बताना है एनर्जी फाइनल क्या होएगी ना पहले वाले केस में जो चार्ज क्यूँ आया वही चार्ज अब यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट होएगा तो अगर हम इसका चार कॉमन पोटेंशियल पता लगाने लगे कि इसके बीच में यहाँ पे वी डैश की क्या वैल्यू होएगी कॉमन पोटेंशियल क्या होएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज आपका कंजर्व होएगा तो क्यू प्लस इनिशियल चार्ज उसके ऊपर जीरो था विल बी इक्वल टू सी वी डैश प्लस सी वी डैश दिस uh, सच अच्छा क्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू टू सी वी डैश विच एम्प्लाइज वी डैश जो उसके ऊपर नया पोटेंशियल आ गया दैट इज़ इक्वल टू वी बाई टू यह आपका पोटेंशियल हो जाएगा नाउ इस केस में अगर हम एनर्जी लिखें इसकी सो एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ़ सी पहले वाले की हाफ सी मल्टीप्लाइड बाई वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ सी मल्टीप्लाइड बाई वी डैश का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हाफ सी आपका कॉमन आ जाएगा अंदर हो गया ट्वाइस वी बाय टू का स्क्वायर सो ये बन जाएगा वन बाय फोर एक टू से टू कैंसिल हो जाएगा वन बाय फोर सी बी स्क्वायर ना यहाँ पर हमने हाफ सी बी को यू बोला हुआ है सो दिस विल बी इक्वल टू यू बाय टू सो आपकी जो एनर्जी हो जाएगी यू बाय टू हो जाएगी Uh, इस केस में कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ी कर जाते हैं कि ये जो हमारी एनर्जी आई ये तो आई है आपकी टोटल एनर्जी अलग हमसे यहाँ सवाल पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर क्या होगी ना ईच कैपेसिटर ईच कैपेसिटर की एनर्जी इसकी हाफ होएगी बिकॉज ये एनर्जी आपके एक कैपेसिटर में स्टोर्ड है ये आपके दूसरे कैपेसिटर में स्टोर्ड है सो so यहाँ पे एनर्जी इन ईच कैपेसिटर वो हो जाएगी यू बाय फोर सो यू बाय फोर आपकी ईच कैपेसिटर की एनर्जी है टोटल एनर्जी U बाई टू है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी U बाय फोर वुड बी द राइट आंसर